नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का आखिर यही एक बाकी निशा होगा। सभी मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे आजादी के जिन परवानों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, शहीदी दी है, उनको हमें कभी नहीं भुलाना है। और हमें आज के दिन है ना, ये नहीं है कि तिरंगे का आज हमने तिरंगा लहरा दिया और तिरंगा लगा लिया और कल वो सड़कों पर मिले, जहां भी तिरंगा मिले उसका हमें सम्मान करना है। और सभी देशवासियों को अगेन हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मैं परमपिता परमात्मा से, माँ सरस्वती की से यही कामना करता हूँ कि अगले आप स्वतंत्रता दिवस तक हर मेरा बच्चा बेरोजगारी से आजादी पाले। इसके लिए प्यारे बच्चों आज हम ये डिस्कस भी करेंगे, आज क्या सीएम ने बयान दिया है, क्या भोपाल सिंह खदरी ने बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले आप सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है, हरियाणा में जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूरी ना, पर आज के दिन ना कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 90% सभी कोर्सों पर ऑफ रहेगा। जो 2000 वाला कोर्स है ना, जो ये लाइव प्लस सॉरी बैच ग्रुप डी का टीम आपने देख ली, 999 का है आज आज के लिए। और जो आपका एसएससी का बैच 899 का है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में सॉरी बैच है। दिल्ली पुलिस का भी स्पेशल बैच शुरू होगा 699 रुपये में, वो कल से हो जाएगा। और जो आपका एचएसएससी सीईटी मेंस ग्रुप डी का कोई हरियाणा जीके का 299 में है, ठीक है, और कोई भी बेच लेना चाहिए, कोई ग्रुप डी का रिकॉर्डेड कहता है मैं 999 नहीं दूंगा, रिकॉर्डेड 499 में है, 7497-4004-7 पे कॉल कर लेना। आज और कल के लिए आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। अब क्या कहा है सीएम ने, सीएम ने वही बयान दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सीईटी में 41 कॉमन पर्सन आया, सहयोग कह रहे एक सहयोग था। देखो कितना गलत बयान दिया है, पेपर अलग अलग एजेंसी ने बनाया, सीएम मनोज ये तो खुद कह रहे हैं फायदा तो होना वाला था, 57 वालों को हो गया, 56 वालों को। कल का बयान आपने देखा होगा, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर फतेहाबाद में आए हुए राज्य स्तरीय विभाजन कार्यक्रम का आयोजन, इसमें सीएम मनोहर लाल ने भारत पाक बंटवारे के समय हुई हिंसा में जान गंवाने वालों को लोगों को याद किया। सीएम ने उनका परिवार, इसमें देखो सीटी एग्जाम में 41 वालों का कॉमन आना है, सहयोग है क्योंकि पेपर दो अलग अलग एजेंसी से बना था, अलग ही पोस्ट का पेपर था, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने लघु सचिवालय में आयुष्मान भारत चिरायु योग योजना का विस्तार का पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना में अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें ना सिंपल सी एक बात बोली है इन्होंने कि जो पेपर आया है ना वो एक संयोग मात्र था, दो अलग अलग एजेंसियों ने सेट किया, तो मतलब क्वेश्चन बैंक तो सेम ही था ना, अलग अलग एजेंसियों से मुआवजे के साथ रेत में किसानों को मिलेगा हिस्सा। ये तो मतलब अब देखो इसमें हाई कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है, मानव संसाधन एग्जामिनर चीफ एग्जामिनर की पहचान करना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का काम, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा है, पहले भी हाई कोर्ट दे चुका है एचएसएससी को चेतावनी, एचएसएससी की पूरी जिम्मेवारी कहता है, ये खुद जिम्मेवारी से भाग रहा है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा मैंने कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, चेतावनी दे चुका है कि एचएसएससी को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी क्लर्क पद का रिजल्ट संशोधित करते टाइम, उस टाइम भी इनको फटकार लगाई थी, 46 याचिकाओं का निपटारा करते हुए 25 अप्रैल 2022 को सुनाई फैसले में की थी, एचएसएससी को जुर्माना भी लगाया था उस टाइम, याचिकर्ता दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंचे थे मगर एचएसएससी का स्टैंड था कि मूल्यांकन में गलती हो गई, मगर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को बलि का बकरा बनाया ना, कि आयोग को खंडपीठ ने लिखा कि अगर आयोग रिवाइज आंसर की के लिए जिम्मेवार नहीं है तो यह सॉफ्टवेयर ने परीक्षा के लिए इसे तैयार किया, अदालत ने टिप्पणी की है वही पुराना बेपरवाही से, बहुत ही लापरवाही से टाल दिया गया, ऐसा लगता है कि आयोग की यह आदत बन गई है। खंडपीठ ने कहा है कि ये बार बार है ना, ये आयोग की आदत बन गई है। सीएम साहब ने बेतुका बयान दिया, अनिल विज जी ने भी बेतुका बयान दिया जिनसे किसी को उम्मीदें नहीं थी। अब भोपाल सिंह खत्री कहते हैं मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोपन हाई कोर्ट की डबल बेंच से अनुमति लेकर 6-7 अगस्त को आयोजित कराया, ग्रुप 57 के पेपर में 56 के पेपर के 41 सवाल रिपीट हो गए, ग्रुप 56 के कुछ उम्मीदवारों ने ग्रुप 57 का पेपर पढ़ा, इसके जवाब के सवालों का जवाब देखे, अगले दिन पेपर में 41 जिन्होंने ग्रुप 57 का एक दिन पहले का पेपर देख लिया उसका ज्यादा नंबर आने की संभावना, आयोग अभी तक यह नहीं बता पाया इस गलती के लिए आयोग जिम्मेवार है, नहीं पेपर तैयार करने वाली एजेंसी है या
नहीं है। अब देखो इसमें ना ये भी कहा गया है कि दैनिक सवेरा ने 14 अगस्त को आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा, आपके हवाले से कुछ अखबार दैनिक सवेरा नहीं में स्टेटमेंट छपी है कि एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, इसका जवाब आ गया। उस पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा, मैंने कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैंने किसी भी अखबार वाले को कुछ नहीं कहा, वे अपने आप लिख रहे हैं, आप दैनिक सवेरा भी अपने पास से कुछ लिखवा लिखना चाहिए लिख ले। दैनिक सवेरा ने जवाब दिया कि दैनिक सवेरा अपने पास से कुछ नहीं लिखेगा, जो टिप्पणी आप करेंगे सिर्फ वही छपेगी। मतलब कह रहे हैं अखबार अपने आप पास से लिख रहे हैं, मैंने कोई। अब एक छोटी सी बात मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये ना मतलब कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इससे बच्चों का क्या फायदा होगा? बच्चे तो आज भी परेशान हैं बेचारे, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन भी हमें ट्विटर कंपेन करेंगे, तो कैसा देखो दिन आ गया है, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ना बच्चों को ये चीजें करनी पड़ रही है। तो सुनकर बहुत दुख हुआ, बेहद दुख हुआ कि सीएम साहब ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। लेकिन आज कहूंगा मैं, स्वतंत्रता दिवस को ना बड़े आप हर्षोल्लास से बनाइए, कल देखते हैं इस पर क्या चीजें होगी, लेकिन आज के दिन आप बिल्कुल भी टेंशन है मत लीजिए, और मिलकर देखते हैं क्या इसमें कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं रहेगी। क्योंकि सीटी क्वालिफाई में हम हाई कोर्ट के थ्रू गए थे, वहां भी वो वकील साहब भी कह रहे हैं अभी भी उम्मीद बची है। देखो कितनी उम्मीद बची है, हमारा माननीय कोर्ट पर पूरा विश्वास रहेगा, यही सूचना थी। लेकिन आज हर्षोल्लास से बनाइए, कल से हम दोबारा तैयारी को अपनी जारी रखेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।